娘，是娘啊。Ngarasin nga buisay ngay sing ay ting amnan. हेलो भाई नमस्ते सत श्री अकाल, स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में। तो यार मैं अभी हिम्बा लोगों के गांव में आ रखी हूँ, तो ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है भाई। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है जनाब, एंड थोड़ी देर पहले ही बारिश हो रही थी। एंड यहाँ पे एक दादी हैं, मतलब थोड़े एज की आंटी हैं, वो बोलते कि गरिमा तुम यहाँ आई हो यार, अपने साथ बारिश लेके आई हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इनकी यहाँ पे जो मेन एग्रीकल्चर है वो सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी से होता है, तो बहुत खुश हो गए लोग। तो भाई सही है, कुदरत ने मेरा साथ दे दिया, एकदम से बारिश हो गई थी एंड बादल भी बहुत अच्छे बने हुए हैं फिलहाल। एंड यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इन लोगों के ट्रेडिशनल घर कुछ ऐसे दिखते हैं, लकड़ से भी बनाते हैं एंड कुछ उस तरफ मैं आपको चल के दिखाऊंगी, कुछ मिट्टी से भी बने हुए हैं, तो नाइस। एंड इस कमरे में भाई मैंने अपना बैग रखा हुआ है, आई थिंक वो रहा मेरा बैग, अंधेरा है बट सामने मेरा बैग है। और चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का दिन भाई यहीं पे गांव में इन लोगों के साथ ही निकलेगा। एंड पिछली वीडियो देखना तो आपको समझ आए ये वीडियो कंटिन्यूटी कैसे हो रही है, मैं कैसे यहाँ तक पहुँची। और सही बहुत मज़ा आ रहा है गांव में, थोड़ा ठंडा था मौसम तो हम लोगों ने आग सेकी, बट एनीवेज सब बहुत बढ़िया। अभी बाकी क्या सफ़र रहते हैं, ये लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं रोज़, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चले भाई वीडियो शुरू करते हैं। यार यहाँ पे एक बिल्ली भी है गांव में, भाई यहाँ पे आग सेक रहे हैं हम, और यहाँ पे म्याऊ आ रही है भाई। तो भाई दूसरा घर इनका कुछ इस स्टाइल से बनता है, इसमें आई थिंक गोबर भी है और रेत का मिक्स है, तो ये इस तरीके से बना हुआ है जनाब। एंड अभी बंद है बारिश की वजह से, तो सुबह मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अंदर से। बट रूम है सिर्फ सोने के लिए, किचन या ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटा सा एक कमरा है। और इसको भी पीसा जा रहा है, एंड ये जनाब भाई इसके बाद फूकेंगे इसको, और इसको मक्का ही बोलते हैं ये लोग अपनी भाषा में। तो भाई यार ये जनाब इसको फूकने वाले हैं अभी, ये तो भाई ये हिम्बा के शावर लेने का तरीका है, आप लोग देख सकते हैं। ट्रेडिशनली ये लोग ऐसे नहाते हैं जनाब। बॉडी आप लोग यहाँ पे बकरियाँ देख सकते हैं कितनी सारी हैं, बहुत सारी हैं, ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा हैं, और एक बकरी को भी बांधा नहीं हुआ है जनाब। रात का टाइम हो रहा है, बिल्कुल खुली पड़ी हैं बकरियाँ, इधर ही घूम रही हैं। वाह जनाब यार वाह। अभी फ़िलहाल यार हम सोने के ये जा रहे हैं कमरे की तरफ, फिर रात को भाई सोने का टाइम है ये ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पे भाई कमरे में हम लोग अभी, और मैं अपने साथ भाई ब्रेड लेके आई थी क्योंकि एक दिन का सफ़र था, एंड मुझे पता था यहाँ पे मीट वगैरह ज़्यादा रहेगा। तो भाई ये हमारा डिनर है, गजब। मैं सेब और ब्रेड ले आई थी साथ में। तो भाई गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जस्ट अभी अभी मैं उठी हूँ, एंड यहाँ भाई सो रखे थे रात को हम लोग। तो इन लोगों के पास भी आज थोड़ा बहुत ना घर वगैरह बनने लग गया है, क्योंकि कुछ फंड्स, एनजीओ या क्रिश्चियन मिशनरी,
इन लोगों को थोड़ा शायद कन्वर्ट कर रहे हैं और हेल्प कर रही हैं इनके, तो ये लोग भी हल्का हल्का मॉडर्नाइज हो रहे हैं। और ये खुद भी अपने जो ऑर्नमेंट्स होते हैं वो रुआकाना फॉल्स के आसपास सेल करते हैं, या जब टूरिस्ट फोटोज़ लेने आते हैं इनकी तो इन्हें $20 या $40 मिलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पैसे जोड़ के लोग हल्की हल्की जितनी मेन ज़रूरत की चीज़ें हैं, इस्पेशली जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए, वो इंतज़ाम यहाँ पे रहता है। और बाकी यार बाहर की तरफ लाइव स्टॉक है इनकी, जितनी भी शीप गोट बकरियाँ सब कुछ ये लोग खुला ही रहने देते हैं, एंड ये भागती भी नहीं है। बहुत सुंदर बात है ये एक्चुअली, एंड एक्चुअली बहुत बकरियाँ इनके पास, ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 100। तो जैसे भाई हर इंडिजीनियस ट्राइबल कल्चर में बकरी शीप काओ वगैरह बहुत इम्पोर्टेंट है, सेम यहाँ पे भी है। बट यार मौसम बहुत ठंडा है, बारिश वाला है, बाकी चलते हैं यार देखते हैं क्या सीन बनेगा अभी यहाँ पे। रात को तो हमने डिनर कैंसिल कर दिया था यहाँ पे बनाना, क्योंकि बहुत बारिश हुई, रुकी नहीं बारिश, तो सब सिर्फ दूध पी के ही सो गए। तो भाई सुबह सुबह यहाँ पे खाना बनाने का टाइम है, एंड टोटो खाना बना रहे हैं। तो उगाली बन रही है यार, दिस इज मेज, ये मेज, यस महंगा मेज, या हेंगा महंगा है प्रॉपर, ओके जो भी है यार, सोरगम या मेज में से कोई एक चीज है वो। तो यार कुछ टूरिस्ट आ रखे हैं वहाँ पे बाहर, अंग्रेज यूरोपियंस, तो ये उन्हें इनकी भाषा में मुजुंगू नहीं बोलते हैं, ओविरुम्बू बोलते हैं, ओविरुम्बू, या ओके मिमी इंडियन है, मिमी नो ओविरुम्बू, ओके इंडिया नो ओविरुम्बू, ओके तो भाई जब गाली थोड़ी कम रहती है ना, इज ओके तो भाई जब उगाली थोड़ी कम रहती है ना मेरे से बनाई जाती है, लेकिन जब ये फूल हो जाएगी तो मेरे में जान नहीं है उगाली को ऐसे करने के लिए, फिर मेरे से नहीं हो पाता। तो यार ना कैसे कमरा जंगो? ओके तो भाई यार उगाली या सीमा बन गया, एंड इन्होंने उस बर्तन में डाल दिया है सीमा को, तो सही ब्रेकफास्ट लंच है इनका ये। तो इसको भाई ये लोग दूध के साथ खाते हैं अक्सर, तो गजब टेस्टी ना, टेस्टी गुड, यस। तो अफ्रीका का स्टेपल फूड है भाई ये, सब जगह मिलेगा आपको, आप किसी भी देश में चले जाइए कहीं पे भी। भाई गोट फाइट हो रही है यहाँ पे, ओ ओ गजब भाई, तो भाई सुबह का टाइम हो गया है, एंड यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आ रखे हैं बाहर, आपको मैं दिखाती हूँ जनाब। तो ये रे भाई यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आ रखे हैं, तो इनका अपना चल रहा है अभी फोटो वगैरह लेने के लिए, एंड मुझे ठंड लग रही थी तो इन्होंने मुझे भाई कंबल दे दिया, एंड मैंने इसको हिम्बा के तरीके से ऐसे बांधा हुआ है। और यहाँ पे खाना चल रहा है जनाब, सुबह का ये सीन है, ये लोग खाना खा रहे हैं, और ये अपने बेटे को लाड कर रही हैं मैम साहब, एंड ये जनाब भाई आ गए हैं जोनस ना, ओके ये मुझे भाई पिक करने के लिए आ रखे हैं, गुड है। तो मैंने आपको दिखा दिया था कि भाई ये लोग शावर कैसे लेते हैं, एंड खाना वगैरह इनका कुकिंग स्टाइल क्या है। सो एवरी डे दे ईट ओनली दिस, that one and meat, and sometimes they eat this one and milk, balance hai, okay to bhai sahi, and chale bhai chalne ka time hai,
तो गजब। तो भाई ये इनकी लाइफ स्टॉक है, कैटल है। एंड ये जनाब भाई दूध निकाल रहे हैं। सो दिस इज द जॉब ऑफ द मैन, इवन वुमेन कैन डू। ओके, तो भाई इक्वालिटी इसको बोलते हैं असली भाषा में। तो भाई यहाँ पे दूध निकल रहा है गाय का, और बहुत सारी गायें बकरियाँ हैं यार यहाँ पे। आई एम शॉक्ड, दे हैव टू मच लाइफ स्टॉक, सो मैनी। Yeah, that's for now. They are dead, man, because of drought. Many are dead. Yeah, we are not having enough rainfall. Yeah, that's why yesterday when auntie was like, I am so happy with this girl, she bring rain with her. Yes. Yesterday it rained whole day. Yeah. She was like, I am so happy. सही है भाई का, जब बारिश बहुत ज़रूरी है जनाब। तो भाई यार अब सब अपनी दुकान समेट रहे हैं इधर। इन आंटी ने भाई बाल नहीं लगा रखे, कुछ और लगा रखे डेकोरेशन के लिए। कॉटन है, आधे में बाल हैं। सही भाई। तो यार वुमेन मेन सिंबल है इनके कल्चर में, इनके गांव में, जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्गली कल्चर प्रिजर्व करके रखा अभी तक। How you call this one? Erembe. Make from what? From animal cloth. Sheep. Goat. Goat. Okay. सही भाई। Erembe. तो भाई यार ये वाली आंटी हैं जो इन्होंने अपनी मिट्टी बालों से उतार रखी है अभी, बहुत सख्त है यार ये। और अब दोबारा से ये लोग ऐसा बनाएंगे इसको, दोबारा से यहाँ पे अभी उतार दिए। सही भाई। तो भाई यार ये पत्थर है एक्चुअली, ये लोग ढूंढते हैं इसको, मतलब जमीन को खोद के कुछ स्पेशल जगहों में, एंड फिर इसका पाउडर बनता है, पेस्ट बनता है, और फिर वो बॉडी में भी लगता है और बालों पे भी लगता है। तो नाइस, ये है भाई लाल पत्थर वो। ओके, थैंक यू भाई। लॉज की तरफ वापस जा रहे हैं अब हम। एक दिन बहुत अच्छा गया हिम्बा लोगों के साथ, एंड अब ये दिक्कत आएगी कि ये वीडियो कैसे एडिट करनी है, क्योंकि कुछ प्राइवेट पार्ट्स हैं वो यूट्यूब शायद बैन कर सकते हैं। तो अब ये वीडियो कैसे एडिट करनी है वो एक बात है मेन, बट देखते हैं क्या होता है। एंड ये लोग भाई रास्ते में कुछ मिले हैं हमें, इन लोगों को कहीं जाना था तो हम राइड दे रहे हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने गाड़ी में भाई 200 का पेट्रोल डलवा दिया था, नमीबिया के 200, कुछ 80 रुपए के आसपास ज्यादा दिए हैं, बट कोई नहीं क्योंकि ये स्पेशली सुबह पिक भी करना है, चलता है 200 ठीक है, कोई नहीं। तो भाई यार इधर शॉप एक्सप्रेस पे मैं कुछ ग्रॉसरी वगैरह लेने आई थी, जूस वगैरह की बॉटल एंड बिस्किट, और अब चल के करेंगे भाई ब्रेकफास्ट हम। एंड ये भाई रुआखाना टाउन है, इसको टाउन बोलते हैं बट एक्चुअली ये गांव जैसा ही है एरिया, और थोड़ा बहुत टूरिज्म एस्टेब्लिश है हिम्बा। इस गाड़ी में मैं आई हूँ, और ये गाड़ी उसी होटल के जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ, ये गेस्ट हैं। एंड भाई वाटरफॉल में एक बूंद पानी नहीं है, मतलब नॉट इवन वन ड्रॉप। ये सारी ये जो कंपनी है ना पावर प्लांट, ये रहा, ये लोग भाई सारा पानी ले लेते हैं बिजली बनाने के लिए, तो ये दिक्कत है। और आप लोग सोचिए, जब ये वाटरफॉल सिर्फ यहाँ के लोकल आदिवासी लोगों के हाथ में था, मतलब जो हिम्बा ट्राइब है सिर्फ उन्हीं की पॉपुलेशन थी यहाँ पे, तो कितना सुंदर दिखता है यार, फुल ऑफ वाटर, मतलब तब कुदरत का करिश्मा है।
हम जैसे भाई मॉडर्न लोग आए यहाँ पे, पावर प्लांट लगा दिया, पूरा रिसोर्स को निचोड़ने लग गए नेचर का, एंड अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है। वाओ यार भाई, कुदरत को हम जैसे लोग ही छेड़खानी करते हैं। जो आदिवासी लोग, इंडिजिनियस लोग, ट्रेडिशनल गांव के लोग, वो लोग कुछ बुरा नहीं करते कुदरत के साथ, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। पता नहीं हम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि हर चीज़ से छेड़खानी करनी शुरू कर देते हैं। मतलब यार एक बूंद पानी नहीं है। वाओ सूखा पड़ा है यार, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। एंड ये बहुत बड़ा वाटरफॉल है, एक्चुअली कोई छोटा मोटा वाटरफॉल नहीं है, बट तब भी बिल्कुल सूखा पड़ा है। देख सकते हैं भाई आप, वहाँ से लेके पूरा ये वाटरफॉल होना चाहिए था, बट कुछ भी नहीं है। वाओ विक्टोरिया फॉल्स जैसा ही है यार, बहुत बड़ा है, बट आई मीन विक्टोरिया फॉल इसके 3 या 4 times बड़ा था, 3 to 4 times मोर बिगर, बट वाओ गजब जनाब। तो जनाब यार मैं वापस आ गई थी जिस जगह मैं रुकी हुई थी, इसका नाम है एहा लॉज। एंड मौसम बहुत सुंदर हो गया, धूप आ गई अब बहुत अच्छी, आसमान भी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नीला दिख रहा है। एंड मैं एक और बार बता देती हूँ भाई, इसका मैं पे कर रही हूँ 280, एंड एसी भी है भाई, तो बहुत सही प्राइस है एक्चुअली, गजब। एंड वो कैंपिंग एरिया जनाब, बट मुझे कुछ वीडियोज़ एडिट करनी है तो मैंने ये रूम लिया, एंड इतना महंगा नहीं है, एसी के साथ बहुत सही प्राइस है। एंड रूम में भाई फ्रिज भी है, और ये बेड है मेरा जिसपे मैं सो रही हूँ। एंड बहुत मज़ा आया यार मेरे को तो हिम्बा लोगों के गांव में, वहाँ पे वो लोग कहते हैं हमने गरिमा आपको अडॉप्ट कर लिया है, अब आप हमारी बेटी हो। मैंने कहा ज़रूर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एंड मैंने उन लोगों से प्रॉमिस करिया कि मैं नेक्स्ट ईयर फिर से आऊँगी, तो आई होप भाई हम अगले साल दोबारा आएँ। एंड बहुत अच्छे हंसमुख लोग हैं, एंड बहुत ओपन माइंडेड, एंड कल्चर भी बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको ये वीडियोस देख के मज़ा आया हो, एंड कुछ नवा कल्चर देखने के लिए मिला हो। आप लोगों से भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोस देखने के लिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाना, एंड इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अगली वीडियो में मिलते हैं।